विक्रांत मैसी इन दिनों द साबरमती रिपोर्ट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं और लोग भी विक्रांत मैसी के इस किरदार को खूब पसंद कर रहे हैं। सोमवार को ही खबर सामने आई थी कि विक्रांत मैसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले लिया है, जिससे सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया और विक्रांत मैसी के फैंस भी काफी ज्यादा दुखी हो गए। विक्रांत मैसी ने अपने पोस्ट में लिखा था कि उन्होंने कई सालों तक अपने करियर पर फोकस किया, लेकिन जब वो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को प्राथमिकता देना चाहते हैं। एक्टर ने कहा कि वो अब एक बेहतर पति, पिता और बेटे के रूप में अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। विक्रांत ने अपने पोस्ट में लिखा, हेलो, पिछले कुछ साल काफी अच्छे रहे, आपके शानदार सपोर्ट के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा मुझे एहसास हो गया कि अब समय आ गया है कि मैं अपने आप को संभालूं और घर वापस लौट जाऊं। एक पति, पिता और बेटे के तौर पर और एक एक्टर के तौर पर। विक्रांत ने आगे लिखा, आने वाले 2025 में हम लोग एक दूसरे से आखिरी बार मिलेंगे, जब तक समय सही ना हो। आखिरी दो फिल्में और कई सालों की यादें, हर चीज के लिए और बीच में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, मैं उसके लिए आपका हमेशा आभारी रहूंगा। लेकिन अब एक दिन बाद विक्रांत मैसी ने खुद इस पोस्ट को समझाया और लोगों को कहा कि मेरे रिटायरमेंट की खबरों को गलत न समझें। विक्रांत ने कहा कि मैं रिटायर्ड नहीं हो रहा हूं, बस थक चुका हूं। एक लंबे ब्रेक की जरूरत है, घर की याद आ रही है और स्वास्थ्य भी खराब है, कृपया कर लोग मुझे गलत ना समझें। मालूम हो कि विक्रांत मैसी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर में शुमार हैं। उन्होंने टीवी से लेकर फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम किया है। विक्रांत की उम्र 37 साल है और इस समय उनके करियर का पीक पॉइंट है, जिसकी वजह से उनके इस फैसले से उनके को स्टार्स भी काफी ज्यादा परेशान थे। लेकिन अब विक्रांत ने खुद अपने रिटायरमेंट की बात को समझाया और कहा कि वो सिर्फ लंबा ब्रेक ले रहे हैं। आखिर में बता दें कि सोमवार को ही विक्रांत मैसी और तमाम साबरमती रिपोर्ट की टीम ने पीएम मोदी और अन्य मंत्रियों के साथ फिल्म देखी, जिसकी पीएम मोदी पहले ही बहुत ज्यादा तारीफ कर चुके हैं। तो मैं शायद बयान नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी भी एक अलग ही नर्वसनेस है, खुशी है एक्चुअली कि इन सबके साथ बैठ के फिल्म देखने का मौका मिला। जैसे मैं पहले से कह रहा हूँ, आज भी दोबारा कहना चाहूंगा देश की जनता से, आपके माध्यम से, कि प्लीज जाए अपने सिनेमाघरों में, द साबरमती रिपोर्ट को देखें, अपना प्यार दें। और ये मेरे ख्याल से पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी लाइफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मेरे करियर में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के फिल्म देखना। तो विक्रांत मैसी के इस निर्णय पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।